पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद एक और सेलिब्रिटी को मिली जान से मारने की धमकी। जी हां दोस्तों, एक और सेलिब्रिटी को जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर ये खबर आग की तरह फैल रही है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर किसको मिली है जान से मारने की धमकी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। वेल, बात करें अगर सिद्धू मूसेवाला की, तो सिद्धू मूसेवाला को 29 मई को पंजाब के मानसा जिले के जवाहर के गांव में गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया था। उनके मर्डर के बाद अब मनु पंजाबी को जान से मारने की धमकी मिली है। जी हां, मनु पंजाबी जिनको हमने बिग बॉस में देखा था, वेल बिग बॉस में नजर आ चुके मनु पंजाबी को जान से मारने की धमकी मिली है। मनु पंजाबी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है और इस बात की जानकारी दी है। अपने ट्वीट में मनु पंजाबी ने बताया है कि उनसे 4 घंटे में 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी और कहा गया था कि किसी भी तरह की होशियारी करने पर उनका भी हाल सिद्धू मूसेवाला जैसा किया जाएगा। लेकिन राहत की बात ये रही कि पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। याद दिला दें कि सिद्धू मूसेवाला को दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया गया था, जिसके बाद अब मनु पंजाबी को भी ऐसी धमकियां मिल रही हैं। मनु पंजाबी ने एक ट्वीट किया और उन्होंने मिली धमकी का जिक्र किया। मनु ने अपने ट्वीट में जयपुर पुलिस के कुछ पुलिस अधिकारियों को टैग करते हुए उन्हें सिक्योरिटी देने और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए धन्यवाद कहा है। इसके बाद आगे उन्होंने लिखा है कि मुझे मेल मिला था जिसमें आरोपियों ने खुद को सिद्धू मूसेवाला को मारने वाली गैंग का बताया था और मुझसे 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी, वरना मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। पिछले हफ्ता काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल था इसी वजह से, क्योंकि मुझे ऐसी धमकी भरे मेल आ रहे थे। मनु ने इस ट्वीट में एक तस्वीर भी शेयर की है, जिस पर गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई की फोटो के साथ पूरी धमकी है। इस थ्रेट लेटर में लिखा है, ये लेटर गोल्डी बरार टीम की तरफ से है। जैसा कि सभी जानते हैं कि सिद्धू हत्या मामले में लॉरेंस भाई को टारगेट किया जा रहा है, इसी के चलते इस टाइम हमें ज्यादा से ज्यादा पैसों की जरूरत है, लेकिन हम किसी एक पर ही सारा भार नहीं डालना चाहते, इसीलिए थोड़े थोड़े पैसे सभी से ले रहे हैं। और अभी तक जो पैसा आया है उसमें किसी ने भी कोई होशियारी नहीं दिखाई, क्योंकि सब जानते हैं हमसे होशियारी का मतलब सिर्फ मौत है। इस थ्रेट लेटर में आगे लिखा है, तुम्हें भी 10 लाख रुपए 4 घंटे के अंदर हमारे पास भेजने हैं, और अगर 4 घंटे तक पैसे नहीं आते तो अपनी उल्टी गिनती शुरू कर देना, क्योंकि फिर तुम्हें यमराज भी नहीं बचा सकता। और अगर पैसे टाइम से आ जाते हैं तो तेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेते हैं, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे किसी भी मामले में, और अगर होशियारी दिखाने की जरा सी भी कोशिश की तो हम पूरी मैगजीन उतार देते हैं बॉडी में, और जिंदगी भर इस बात का अफसोस तेरे परिवार को रहेगा कि 10 लाख के लिए हमने क्या खो दिया। आपको बता दें कि थ्रेट लेटर के आखिर में लिखा गया है, हम तक पहुंचने का ख्याल दिमाग से निकाल देना, जो भी नंबर या अकाउंट नंबर हम यूज कर रहे हैं वो हमारे तो है नहीं, इतना दिमाग तो होगा तुम्हारे अंदर भी, लेकिन हमने इस बंदे को भी प्रॉमिस किया है कि अगर कोई तेरे खिलाफ कार्रवाई करता है या तुझे फोन करता है तो उसको इस दुनिया से अलविदा कर दिया जाएगा, और जिसको हमने जुबान दे दी उसको कोई बदल नहीं सकता, इसलिए इस अकाउंट में पैसे डालो और काम खत्म करो, इससे ज्यादा कुछ जानने की कोशिश मत करना, तेरे लिए और तेरे परिवार के लिए यही सबसे अच्छा तरीका है। वेल, एक न्यूज पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक ये करीब 1 हफ्ते पुराना मामला है और अब पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप भी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन भी दबाएं। साथ में अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा।